आज का समाज नकल की भावनाओं से भरा पड़ा है और इसके परिणाम स्वरूप एक गहरी उदासी छाई हुई है। ये उदासी अनिवार्य है और केवल उदासी ही नहीं है, इस उदासी के पीछे एक स्किज़ोफ्रेनिया की स्थिति छिपी हुई है, क्योंकि मूल रूप से कोई भी दूसरा नहीं बन सकता, हर व्यक्ति केवल स्वयं ही हो सकता है। इसलिए गहराई से वह स्वयं है, लेकिन उसके ऊपर वह किसी और का अभिनय कर रहा है, इसलिए हर कोई एक पाखंडी है। सभी धर्मों ने मानवता के साथ ये किया है, उन्होंने एक पाखंडी दुनिया बनाई है, एक स्किज़ोफ्रेनिया मानवता, एक विभाजित व्यक्तित्व। ये उनकी देन है, ये एक अभिशाप है, लेकिन यही वह है जिसे वह मानवता को उपहार कहते हैं। हर कोई एक विभाजित जीवन, एक दोहरा जीवन जी रहा है। सामने के दरवाजे से एक जीवन, पिछले दरवाजे से बिल्कुल दूसरा, और निश्चित रूप से दोनों के बीच वह तनाव में, चिंता में फंस जाता है। वह पूरी तरह से ना तो ये हो सकता है और ना ही वह, इसलिए लोगों की आंखों में दुखी, उदासी और मृत्यु। किसी को भी किसी और की जरूरत नहीं है, बस अपने आप को बनो, अपने जीवन का सम्मान करो, अपने आप को सम्मान दो, अपने आप से प्यार करो, क्योंकि जब तक तुम खुद का सम्मान नहीं करोगे, तब तक तुम दुनिया में किसी और का सम्मान नहीं कर पाओगे। यदि तुम अपने जीवन का सम्मान नहीं कर सकते, तो तुम क्या किसी और का सम्मान कर सकते हो? तुम दिखावा कर सकते हो, लेकिन दिखावा सत्य नहीं है और ये मुक्तिदायक नहीं है, सत्य मुक्त करता है। दिखावा तुम्हारे चारों ओर एक बंधन बनाता है, ये एक कारावास बन जाता है और एक कारावास से नफरत होती है। हर किसी को अपनी खुद की पगडंडी बनानी होती है। सत्य का कोई और सुपर हाईवे नहीं है, केवल पगडंडियां है, और वह भी तैयार नहीं है, उपलब्ध नहीं है। तुम्हें चलना होगा और उन्हें बनाना होगा। तुम्हें सत्य की खोज करनी होगी और अपनी खोज में ही तुम पथ बनाते हो। पथ पहले से मौजूद नहीं है कि तुम सत्य पर चल सको। सत्य की खोज एक विशाल साहसिक कार्य है, हर पल तुम्हारे लिए एक बड़ा आश्चर्य होता है। अतः ये स्पष्ट है कि स्वयं की सच्चाई की खोज और स्वीकृति ही व्यक्तित्व के विभाजन और सामाजिक पाखंड से मुक्ति का मार्ग प्रशस्त करती है। प्रणाम।